अरविंदो सोसाइटी के द्वारा जितने भी नवाचार किए हैं, ऐसे सुधार्थों को, जो सुधार्थी थे उनको आज सम्मानित किया गया। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो नए नए शोध कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम, क्योंकि महर्षि अरविंद एक ऐसे संत जिन्होंने देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्म के ऊंचाइयों में पहुंचने का संदेश उन्होंने दिया, और इस सोसाइटी के द्वारा यह आयोजन किया गया। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छठ पर्व के बहुत बहुत बधाई। आज मेरे 3 जगह जाने का कार्यक्रम है। छठ पर्व के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और मैं समझता हूँ कि बिहार के बाद छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ छठ पूजा की छुट्टी दी गई है। जितने भी सूर्य उपासना जो लोग कर रहे हैं, संध्या सूर्य उपासना करेंगे, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पानी गिरा थे और पानी लेट इस साल गिरी से, खेती लेट हुई से। अभी धान कटाई शुरू हो है, ब्यारा में आए नहीं है, और सब ब्यारा भी गिल्ला है, फड़ भी गिल्ला है, तो धान रखबे कहाँ भी। तो एक स्थिति एला बढ़ाया गया है। और केवल हम ऐसे नहीं कि 31 जनवरी तक रखा था, एला हम 15 फरवरी तक के। नई औद्योगिक नीति में इसमें केवल एक तरफा विकास की बात नहीं कही गई है, कोर सेक्टर को बढ़ावा तो देना ही है, लेकिन उसके अलावा और जितने भी सेक्टर हैं उसको भी बढ़ावा देने की बात है। छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं जिसमें काम करने का आवश्यकता है, और उन क्षेत्रों को भी हमने छूने का कोशिश किया जहां उद्योग बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारे कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं, हमारे लघु वनोपज से जुड़े हुए उद्योग हैं, उसके वाला इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इसमें समावेश किया है और सबको बढ़ावा देना चाहते हैं। बहुत सारे सुविधाएं हमने दी है, और उसका कल हमने उसका लॉन्च किया है, जो 2019 से 2024 जो उद्योग नीति है उसकी घोषणा की है, और इसका लाभ उद्योग को मिले और साथ से साथ छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके।